हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानी स्मगलिंग, एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो, और खास तौर पर ये बात हो किसी मासूम बच्ची की। अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मासूम बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। अगवा की अमूमन दो इकसाम होती हैं। एक तो होती है अगवा बराए तावान, जिसके बदले में अगवाकार एक बाहरी रकम का मुतालबा करते हैं, और दूसरी होती है बच्चे को अगवा करके बाजार में फरोख्त कर दिया जाता है। ज्यादातर इसका शिकार मासूम बच्चियां बनती हैं। अगर हम दूसरी किस्म की बात करें तो वो माँ बाप और इस बच्ची की पूरी जिंदगी के लिए तकलीफ देह होती है। ऐसे लोग अमूमन बच्चियों को जिस्म फरोशी के बाजार में फरोख कर देते हैं, और वो मासूम बच्ची जिसे पता नहीं होता कि इन सब बातों का मतलब क्या है, वो इस बाजार में फरोख्त हो जाती है। ऐसे बहुत से केसेस अब तक हमारे सामने आ चुके हैं। एक ऐसा ही केस था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, जब टीम टारगेट को ये इंफॉर्मेशन मौसूल हुई कि एक 8 साल बच्ची को जिस्म फरोशी के बाजार में फरोख्त किया जा रहा है। इस इंफॉर्मेशन ने तो जैसे हमारी रातों की नींद ही उड़ा दी। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये दिल दहलाने वाली हकीकत से आशना करेंगे। 8 साल की उम्र की बच्चियों को अक्सर परियों की कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन आखिर ये नन्ही परी कौन थी जिसे ऐसे फरोख्त किया जा रहा था, और कौन था जो इसे फरोख्त कर रहा था। शुरू की इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें ये खबर मौसूल हुई कि फरोख्त करने वाली खुद इसकी माँ है। ये लफ्ज मेरे कानों के लिए किसी धमाके से कम ना था। दिलो दिमाग ये मानने को तैयार ना था कि आखिर कैसे एक माँ अपनी बच्ची को फरोख कर सकती है, लेकिन हमें इस नन्ही परी को आजाद कराना था। हमने अपने नुमाइंदों को इस जगह भेजा जहाँ इस नन्ही परी को फरोख किया जा रहा था। इस वीडियो को आप मुलायजा फरमा सकते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ लाइट ना होने की वजह से इनके चेहरे साफ आया ना थे। इस वीडियो में ये इस बच्ची को 70,000 में फरोख करने की बात कर रही थी। अगर इसको साथ रखें साथ इस्लामाबाद नहीं देती है हमारे नुमाइंदे ने जब हमें आके सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया तो बाखुदा दिल खून के आंसू रोने लगा। इस मासूम बच्ची के फूल जैसे होंठों पर सुर्ख लाली लगाकर इसे बिठा दिया गया था। वो मासूम बच्ची हमारे नुमाइंदे को अंकल अंकल कह के बात कर रही थी। इसे इस बात का इल्म ना था कि इस वक्त इसके सौदे की बात हो रही है। अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा था, हमें जल्द से जल्द इस हकीकत को जानना था कि आया माजरा क्या है। इस औरत ने इस मासूम बच्ची को एक मुकाम पर लाने की बात की। टीम टारगेट ने फौरी तौर पर थाना गुलशन इकबाल का रुख किया और वहां के डीएसपी आगा असगर पठान साहब से रابطہ किया। उन्होंने फौरी तौर पर एक टीम तश्कील दी। जी, इस केस के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, और एक बड़ा ही दर्दनाक केस है कि एक मासूम 8 साल बच्ची के साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो जुल्म हो रहे हैं, उसके लिए इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं।
और उस खातून ने उस बच्ची को 70,000 रुपये में हमें फ़रोख करने के लिए इस वक्त कहा है। हमारा नुमाइंदा सर यहाँ से पैसे लेके जाएगा, फुटेज बनाएंगे और उसके बाद जो है वो फिर हम आपको आगे की कार्रवाई दिखाएंगे। लेकिन अब तक कुछ प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि वो औरत जो है वो टेलीफोन करके हमें लोकेशंस चेंज कर रही है। अभी उसने हमें गुलशन की एक लोकेशन बताई है और अभी गुलशन की लोकेशन पे वेट करेंगे। उसने कहा कि वो बच्ची लेकर आ रही है, वो मासूम बच्ची, 8 साल की बच्ची जिसके साथ उसको भी पता ही नहीं है कि उसके साथ ज़्यादा हो क्या रही है। और इसी सिलसिले में इस वक्त हमारा नुमाइंदा उसका इंतज़ार करेगा। गुलशन की लोकेशन उस खातून ने दी है और जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे फिर हम उसे ट्रैप करेंगे। नाज़रीन, बड़ा दुख होता है जब भी हम कभी ऐसे प्रोग्राम कर रहे होते हैं, क्योंकि एक मासूम 8 साल की बच्ची जिसे अभी ख़ुद नहीं पता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, एक औरत, एक ज़ालिम औरत, उसे महज अपने फ़ायदे के लिए मार्केट में ऐसे फ़रोख कर रही है जैसे कोई जानवर भी इतनी बेदर्दी से नहीं करता होगा। जो अब तक वीडियोज़ हमें मौसूल हुई हैं, जो चीज़ें हमने देखी हैं यहाँ से लीजिए, वो वैसे ही हमारा जो दिल है वो बड़ा, मैं पर्सनली बताऊँ मेरा दिल बड़ा ख़राब हुआ है और अजीब सा हो रहा है एक कि यार क्या तमाशा है, क्या मजाक है। बहरहाल अभी मूव कर रहे हैं हम लोग आगे की तरफ। हम उस जगह के लिए निकल गए, हमें इस बात का डर था कि कहीं कोई शक ना हो जाए। नाज़रीन, इस वक्त में थोड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उस औरत ने जो है इस वक्त में दूसरी बार अपनी लोकेशन को जो है वो चेंज किया है। अभी उसने हमें आगे की लोकेशन दी है और ये भी एक ख़तरा हो रहा है कि कहीं उसको कोई शक ना हो गया। इसी वजह से वो हमें लोकेशन बार बार चेंज करवा रही है और दूसरी दफ़ा हमें जो है लोकेशन हमारे नुमाइंदे को जो है वो उसने चेंज करवाई है। अब एक और लोकेशन का उसने कहा है और उस लोकेशन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। 70,000 रुपये के एवज़ एक मासूम 8 साल की बच्ची को फरोख्त किया जा रहा है। और अभी ये तो बाहर, जब हम उस बच्ची को रिकवर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अब वो ये बच्ची है या माजरा क्या है। इस औरत ने हमारा काफिला एक मुकाम की तरफ बढ़ा दिया जहाँ हमारे नुमाइंदों से इसकी पहली मुलाकात हुई थी। हम सुपर हाईवे की तरफ से होते हुए एक गोट की तरफ जा पहुंचे जहां आगे मोबाइल का जाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता था। हमने अपने नुमाइंदों को उस जगह भेज दिया और खुद बैठे सिग्नल का इंतजार करने लगे। अब जरा इस वीडियो को मुलायजा फरमाइए, ये मकरू औरत किस तरह इस बच्ची का सौदा कर रही है। हमें तो फोन बच्ची का है तैयारी करा दी है? इसकी तैयारी करा दी। हाँ, तैयारी तो है। क्यों ना, मैं सोच रही मैं कि आवे तो चलो कोई कपड़े चपड़े ना दे लिए। वो तो मैं गिला दूंगा। इस वीडियो में मौजूद बच्ची से बात कर रहे हैं कि आज से तुम्हें इन लोगों के साथ ही रहना है और अगर तुमने इनकी बात ना मानी तुम्हें वहाँ आकर मार लगाएंगे। क्योंकि उसके पास भी हमारा नंबर है, हमारा नंबर उसके पास है। अगर तुम कुटन करेगा वो हमें फोन करेगा, फिर वो हमें फोन करेगा ना, हम उधर आगे तेरे को कुट देंगे। चलो गिनती करो। आप देख सकते हैं कि ये औरत 70,000 रुपए लेने के बाद इस बच्ची को फरोख कर रही है। बस फिर क्या था, हमें सिग्नल मिलना था और हम यहाँ से रवाना हो गए। लेकिन ये औरत बहुत शातिर और मक्कार थी। ये हमारे नुमाइंदों की आंखों में धूल झोंक कर 9:02:11 हो गई थी। वो शख्स हमारे हाथ आ चुका था लेकिन औरत गलियों के अंदर गुम हो गई थी। ये इसका शोर है, दरवाजा खोलो।
पुलिस और हमारे नुमाइंदों ने इस औरत को इन गलियों में ढूंढना शुरू कर दिया। मासूम बच्ची के ऊपर लिपस्टिक लगा के इसे फरोग किया जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम है आसमा। आसमा, आसमा आपको अभी जिस औरत ने फरोख्त किया है जानती हो उसको? जो इस घर में औरत रहती है? नहीं। आप कहाँ से आई है? ये कौन है तेरा? ये कौन है? आप मत डरो बेटा, हम आपके लिए आए। हम आपके लिए बेटा हैं, मेरी बेटी है। मेरे पापा को नहीं मारो। लेकिन एक बात ने वहां मुझे परेशान करके रख दिया कि जब इस शख्स को पकड़ने के बाद पुलिस इससे सख्ती से पेश आ रही थी तो इस बच्ची ने एक ऐसी बात कर दी जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। इस बच्ची का कहना था कि ये मेरे अब्बू हैं और इन्हें कुछ ना कहो। हम यही परेशान थे कि आया एक बाप आखिर कैसे कर सकता है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? 8 साल की बच्ची को बेच दिया तुम लोगों ने उठा के। तुम्हें समझ नहीं आ रहा किस काम के लिए बिक्री थी वो? पूरी रिकॉर्डिंग हुई है, तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो? तुम्हारी पूरी रिकॉर्डिंग हुई है सब कुछ? उस बच्ची को तो पता ही नहीं है दुनिया क्या है, मैं उससे क्या सवाल करूं? वो बच्ची जहनी हो गई है, वो कपकपा रही है, उस बेचारी को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। मैं इस बच्ची को देख के मुझे वो हो रहा है, मैं क्या बोलूं? एक 8 साल मासूम बच्ची, उस बेचारी को कुछ पता नहीं है, उसको बाप मान रही है, उसको माँ मान रही है। दूसरी जानिब वो औरत भी पुलिस के हाथ आ चुकी थी। जब इस औरत को वहां लेकर आए तो इसने भी झूठ पर झूठ बोलना शुरू कर दिया और हमें एक परेशानी में डाल दिया। इसका कहना था कि ये मेरी बेटी है, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार था कि आखिर एक माँ कैसे ऐसा जुल्म कर सकती है। वो बच्ची अपने हवास में ना थी, इसकी आंखों का खौफ मुझे अंदर ही अंदर से तकलीफ दे रहा था। इस औरत का झूठ पर झूठ बोलना और बच्ची का इन्हें माँ बाप कहना, ये चीजें हमारे लिए परेशानी पैदा कर रही थी। अरे बाबा मेरे अपनी है। तुम्हारी वीडियो बनी हुई है, कल तुमने फोन पे बात करी है परसों, जिसमें तुम कह रही हो खिलौना है खिलौना, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। ऐसे समझो कि आपको एक खिलौना दे रहे हैं। तो ये खिलौना खेलने में के काम भी आए ना? जी जी बिल्कुल, सब कुछ होगा देखना। तो घर का काम करेगी, बेच दी तुमने, ये तुम ही हो? मैं तो गरीब सी, तुम ही हो ना? अब ये पूरी सुनाएंगे तुम्हें। कितने में बिकी? पैसों की कीमत बताओ कितने में बिकी? 70,000 रुपए में बच्ची बिकी है। इस औरत को नहीं पता था कि किस काम के लिए जा रही है। इस वक्त में पुलिस ने जो है वो बरवक्त कार्रवाई की है, जहाँ से ये बच्ची बरामद हुई है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या बोलूँ? वो बच्ची मासूम बच्ची है, उस बच्ची बेचारी को पता ही नहीं है उसके साथ हो क्या रहा है, और ये इस तरह यहाँ पर इस बच्ची को 70,000 रुपये में मैं फरोख्त कर दिया। वो मासूम बच्ची है, मैं वो क्या बताऊँगी जी, उसको कुछ पता ही नहीं है कि एक्चुअल कहानी क्या है, लेकिन उस औरत ने जो है इसको 70,000 रुपये में फरोख्त किया। वो बच्ची हमारे हाथ आ चुकी थी, लेकिन उस बच्ची का स्टेटमेंट कुछ और ही था। हम ये बात नोट जरूर कर रहे थे कि वो बच्ची अपने हवास में नहीं, और वो औरत उस बच्ची को अपनी बच्ची कह रही, लेकिन हमारा दिल इस बात को मानने को तैयार ना था। अब दिल की सुने या दिमाग की, हम इसी शशोपंज में मुब्तला थे। थाने आने के बाद वो औरत और वो शख्स झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे, लेकिन शायद इस बच्ची को कुछ समझ आ रहा था। नाजिन ये है वो बच्ची जिसकी उम्र है सिर्फ 8 साल, जो तो 8 से भी कम की लग रही है, और इस बेचारी बच्ची को पता ही नहीं था किसके साथ क्या होने जा रहा है, और उसको शायद अभी भी इस बात का आइडिया नहीं कि इसके साथ होने का वाला था। 70,000 रुपये में इसको फरोख कर दिया गया, और जब से ये केस मुझे पता चला था, मैं आपको बताऊँ बाखुदा एक अजीब सा था दिल में, एक अजीब सी फीलिंग थी। मासूम बच्ची है, और जो हमारे वो लोग हैं जिनको इस बात की अकल है, उन्हें ज़रूर पता होगा कि ये किस दलदल में जाने वाली थी। थोड़ा सा बात करते हैं बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? आसमा। आसमा, मेरा नाम आसमा नहीं, आसमा नहीं था, नकली आसमा है और असली सना है। अच्छा, असली नाम सना है और नकली आसमा है, तो नकली नाम तुम्हारा किसने रखा था? इन लोगों ने। अच्छा मुझे बताओ ये लोग क्या करते हैं तुम्हारे साथ? ये औरत बोल रही है तुम्हारी माँ है? तुम्हारी माँ इस बच्ची ने हमें बताया कि इसके सगे माँ बाप ये नहीं। ये क्या करते थे तुम्हें? मारते थे, पीटते थे, क्या करते थे?
मारते थे डंडे से। ये लोग इसे मार पीट के ये कहा करते हैं कि वो इन्हें अपना माँ बाप बोले। अच्छा, और ये औरत तुम्हें घर में बंद करके रखती थी? हाँ। खाना देती थी? देती थी एक रोटी। एक रोटी देती थी पूरे दिन में? और उसके अलावा इसका जो शौहर है ये भी मारता था तुम्हें? मारा करता था। और यहाँ पे मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा DSP आगाजगर साहब का, उन्होंने इस प्रोग्राम में किया, क्योंकि दायरे जब हम निकले थे तो हमें गुलशन की इन्फॉर्मेशन दी और वो फिर हदूद चेंज होती रही, क्योंकि अक्सर होता ही है कि जी हदूद का बड़ा मसला होता है, लेकिन इस बच्ची के लिए हर हदूद को क्रॉस करके काम किया गया। अभी उस औरत से भी इंटरोगेट करेंगे और मैं फिर बता दूँ कि इस बच्ची को नहीं पता है, कुछ नहीं पता है उस बच्ची को। बस फिर क्या था, हमने बिल्ली के थैले से बाहर आने के बजाय पूरे थैले को ही फाड़ के रख दिया। जो आपको बता रहे थे कि केस इतना सिंपल नहीं है, और मैं बार बार एक बात कह रहा था कि यार मां नहीं हो सकती, मां नहीं हो सकती, और ये हकीकत है। अभी इंटरोगेशन क्या हुई है, आगा साहब ने भी इंटरोगेशन की, अभी हम आपसे इनकी जबानी सुनवाते हैं कि असली मामला था क्या। अब इन दोनों ने तोते की तरह सच बोलना शुरू कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? नदीम सर। नदीम, क्या काम करते हो? मैं सर मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो? बच्ची किसने अगवा की थी? इसने की थी। किसने? नसरीन ने अगवा की थी। कहाँ से अगवा की थी बच्ची? सही है, अपने पता नहीं कहाँ से की है, लेकिन इसने की थी। इसने बच्ची अगवा की? इन दोनों मियां बीवी ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए कि बच्ची को इसने अगवा किया था, मैंने नहीं। ये औरत बता रही है बच्चा तुमने, बच्ची तुमने किडनैप किया? नहीं साहब, मैंने। किसने अगवा किया भाई? इसने की थी। इसने की? हाँ बिल्कुल, इसने की थी। कहाँ से लाए हो बच्ची, किधर से लाए हो, बताना शुरू करो। ये सराकोट से आए रहिंदे सिंह। तुमने इसको मना किया कि बच्ची मत अगवा करो और ये करके ले आया? ये लेके आ गया। कितने साल उम्र है? मेरी होगी 40 साल तो होगी। 40 साल तो होगी। तुम बच्ची थी? मैंने इसको तुम थाने क्यों नहीं गई? अच्छा, अब दूसरी बात, तुम तो खुद बच्ची बेच रही थी। ये औरत जितनी मजलूम बन रही थी, खुदा की कसम इस पर शदीद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हमारे पास इसके खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे। तुम तो खुद 70,000 में बच्ची बेच रही थी ना, क्या था वो, किसी की बच्ची थी, किसी और की बच्ची थी, तुम 70,000 में क्यों बेच रही? इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम ही मेरे को दे दो झाड़ू पोछे के लिए काम। झाड़ू पोछे के लिए? तुम्हारी पूरी वीडियो बनी हुई है। अब तक क्या कहेंगे आप, आपके सामने सारी सूरत हाल, और ये यहाँ पर बोल लीजिए उसने कहा था। ये एक्चुअल क्रिमिनल जो होते हैं ना, ये इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं कि जी मेरी तरफ से ये फर्स्ट टाइम हुआ है, हालांकि ये है बेसिकली बुनियादी तौर पे ये क्रिमिनल्स हैं। मारती थी तुम उस बच्ची को? बच्ची को तुमने इतना मारा कि तुम्हारे सामने आते हुए सहम रही हो? हमने फलां से उठा के, हमारे पड़ोसी थे एक समारे वो मोहल्लेदार वहाँ से, तो अभी मैं अपनी पार्टी को भेज रहा हूँ वहाँ से, उसके पेरेंट्स को, उसके पेरेंट्स को ले आएंगे और उसको उनके बच्ची को जो है जो जितने हमारे लीगली रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करके उनके हवाले किया जाएगा। ठीक है, कहाँ है उसका घर? अभी पता नहीं, उधर ही उन्होंने पहले तो रहते थे, अभी तो सानू महीना हो गया ना उतो आए दिन, रहते तो उत्थे ही होंगे, पक्के इतने ही रहते काम करते। तुम्हें घर पता है वो? इस औरत का तरीका वारदात कुछ यूं था कि ये मोहल्लों में किराए पर घर लेती थी, उसके बाद वहाँ की रेकी करती थी, और जहाँ पर अकेली बच्ची नजर आती थी इसे चीज का लालच देकर अगवा कर लेती थी, और फिर इसे फरोख्त करके मुकाम को तब्दील कर लेती थी। छोटे छोटे बच्चे जिंदगी ऐसा काम नहीं मैंने किया। चले अभी इसके माँ पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि वो उनके माँ बाप दुआ करते हैं वहीं हो। सहराबपुर थाने में भी इसको आगा साहब चेक किया जाएगा कि कोई मिसिंग की कंप्लेन है कि नहीं, जाहिर होगी बच्ची मिसिंग है। बिल्कुल होगी। हमने इस औरत से इस जगह का पूछा जहाँ से इस बच्ची को अगवा किया गया था, इसने वो मुकाम दिखाने की हामी भर ली। अब हमारे दिलों की धड़कने मजीद तेज होती जा रही, हमारी दुआ थी कि इसके माँ बाप हमें मिल जाए। ताजिन, उस बच्चे के पेरेंट्स को लेने हम जा रहे हैं, और मुझे बड़ा इस वक्त में दुखी हो रहा है कि बच्ची इतना सहमी हुई है, इतना बच्ची के अंदर खौफ है कि बच्ची उन लोगों को देख के चीखें मार रही है, उन्हें देख के चीखें मार रही है। अब इस वक्त हम जा रहे हैं कि औरत ने बताया कि हमने जहाँ से बच्ची को अगवा किया था हम जा रहे हैं उस तरफ, और वहाँ से उनके पेरेंट्स को देखेंगे, बेचारे पेरेंट्स कब से ढूंढ रहे होंगे। नाजीन, जुल्म की इम्तिहा है, लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि हम लोग बर वक्त पहुँच गए और बर वक्त कार्रवाई हो गई।
और अभी हम उस बच्ची के घर के लिए जा रहे हैं, अल्लाह करे उसके पेरेंट्स हमें मिल जाए। बच्ची इतना सहम चुकी है कि वो इनकी शक्ल देख के कपकपा रही है। वैसे भी हम लोग जा रहे हैं पुलिस के साथ, और अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि उसके माँ बाप मिल जाए और माँ बाप को उनकी बच्ची मिल जाए, क्योंकि बड़ा दुख होता है। ASI जब्बार बड़ो, ASI नुमान इस वक्त इस टीम की सरबराही कर रहे हैं। जब्बार साहब, बड़ा दुख होता है ऐसे वो देख के मामला। बड़ा जुल्म वाला कहानी है भैया, 70,000 में भेज दिया, इंसानियत का जो है ना मामला ही खत्म कर दिया। सूरत सैराब गोट के इलाके में पतली पतली गलियों में हम मौजूद थे, हमारे कदम आगे को बढ़ रहे थे। बिला आखिर इसने हमें घर का इशारा दिया। औरत, इस औरत को जानती है? दरवाजा बजाने के बाद इसके लवाकीन हमारे सामने आए तो कुछ अजीब सा मंजर हो गया। सुगरा कौन है? उसकी बच्ची अगवा हो गई थी, वो मिल गई, स्नेच का अगवा की थी, मिल गई, हमने ढूंढ ली। वो थाने में है तो उसके घर से कोई चले, इस औरत ने अगवा की थी, चले। खुशी और हैरत से इनकी बांछें खिल गई थी, यकायक पूरा मोहल्ला जमा हो गया। वो पिछले एक माह से बच्ची को दीवाना वार तलाश कर रहे थे। आप लोग आ जाएं चले। ये तस्वीर यही है बच्ची की, ये हमने ढूंढ ली है, बच्ची ढूंढ ली हमने। थाने में FIR कटवाई है आपने? कौन से थाने में कटवाई थी? ले आए आराम से, बच्ची हमारे पास है, महफूज है। इन्होंने बेच दी थी उसको 70,000 में, हम बरामद करके ले आए। इस मोहल्ले में हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनके बच्चे आज भी गुम थे। इनकी आंखें हमसे बहुत से सवाल कर रही थी, लेकिन हमारे पास कोई जवाब ना था। थोड़ी देर में औरतों का रश बढ़ना शुरू हो गया और उन्होंने इस औरत को मारना शुरू कर दिया। हमने इस औरत को बड़ी मुश्किल से इस मुकाम से निकाला। हम लोगों ने कराई है ना? हाँ, कराई है। वो कितने परेशान हो रहे, इतने उन्हें घर पूरा खाली दे रहे। बेच रही थी, हम लोगों ने बरामद करी आज। हमारे पास भी FIR कटी हुई है, फोटो भी है बच्चे के। एक महीने 10-15 दिन हो गए हमारे बच्चे को गायब हुए, इतना बड़ा बच्चा है हमारा। किस तरह ये लोग पागल हुए थे अपने बच्चों को लेके। जाहिर है बच्चा हर किसी का बराबर होता है, चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो। और किस तरह इस औरत ने, उस शख्स ने उस बच्ची को अगवा किया था, और ये बेचारे कब से उसको ढूंढ रहे थे। और दो यहाँ पे और सुनने में आ रहे हैं कि जो और भी बच्चे गायब हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन बस अल्लाह ताला जब मदद करता है। और बार बार मैं सवाल कह रहा हूँ कि DSP आगाजगर पठान ने बिल्कुल उस इलाके से हट के काम किया जो इलाका इनका था नहीं, लेकिन उन्होंने इस वक्त हमारी बिल्कुल मदद की। और सचल थाने में इसकी FIR भी दर्ज है, और FIR के मुताबिक ये बच्ची यहाँ से किडनैप हुई थी, जिसे इस वक्त बरामद किया गया है। लेकिन थोड़े आगे जाके ऐसे बहुत से लोग मिले जिन्होंने पहले ही इस औरत पे मुकदमात दर्ज करवाए हुए थे। क्या हुआ है भाई? इस लड़की ने एक लड़की हुसैन हजार कोट में इसने किराए का मकान लिया। पहाड़ी पे नसीम नाम का लड़का था, 1,20,000 उससे लिया। पहले भी कर चुकी है। मैंने FIR करवाया इसका। कौन से थाने में? जोहर थाने में। हमने इस बच्ची की दादी और फुप्पो को लेकर थाने का रुख किया। मिलने की बेचैनी इनके चेहरों पर साफ आया थी। अपने प्रोग्राम टारगेट में पिछले 8-9 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन इस प्रोग्राम में कुछ मनाजिर ऐसे थे जिन्होंने बाखुदा मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। और मैं दावे से ये बात कह सकता हूं कि हर साहिब औलाद शख्स ये मनाजिर देख के रो पड़ेगा। जैसे ही हम थाने पहुंचे और हमने इस बच्ची को बताया कि तुम्हारे घर वाले आ गए हैं, ऐसा लगा जैसे किसी ने वो बच्ची अपनी खुशी और जज्बात पर काबू ना रख पाई। यही मनाजिर हमारे दिल को छू गए। इस बच्ची के घरवाले अपनी बच्ची को पाकर खुशी से फूले ना समा रहे थे। आपका क्या, आप कौन है, उसकी क्या रिश्ता है आपका? किसका? इसका और आपका क्या रिश्ता है? ये मेरी भतीजी है, मैं इसकी फूफी हूँ। ये कितने टाइम पहले गायब हुई थी? ये हुई है, एक महीना होने वाला है। एक महीना? हाँ, हो गई। वो औरत किस तरह लेकर गई थी, कुछ पता है कुछ आप? हाँ, छोटी बच्ची ने बताया था, ये घर में खेल रही थी, उसके साथ गई थी।
आई है बच्ची को गेट खकड़ाया खुद मैंने खुद लाए गई औरत ने किया। हाँ फिर इसके हाथ पे 200 रुपया पकड़ाया। तुम्हारे को मम्मी बुला रही है, मैं तेरे को चूड़ियाँ खरीद करके देती हूँ, चप्पलें फिर घर में पहुँचा जाऊँगी। जी बड़ी अल्लाह ने इस बच्ची के ऊपर बड़ा फख्र रहम किया है और बहुत इस बच्ची के ऊपर बिक गई थी ये बच्ची, लेकिन बस अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, इनकी दुआएं काम आ गई इन घर वालों की। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इस बच्ची के माँ बाप हवास बाख्ता थाने के कमरे में आ पहुंचे। एक बार फिर जज्बाती मनाजिर हमारी आंखों के सामने थे। हम दिल ही दिल में आपदीदा थे। इस बच्ची के माँ बाप अपनी बच्ची को पाकर क्या महसूस कर रहे होंगे, ये हर साहिब औलाद महसूस कर सकता है। आप क्या काम करते हैं? मैं रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाता जी। अंकल रक्षा चलाता है अब मेरा। तो डर क्यों रही थी तुम? बहुत डर रही थी अपने आप। तो नहीं डर रही अब तो अब तो नहीं डरोगी इस औरत से? फिर इस औरत का आमना सामना इसके माँ बाप से कराया गया। नहीं मैं नहीं जानती इसको, ये एक ही दफा आई थी चार्ज लगाने के लिए, ठीक है, इसने यही गर्भपात किया है जो मेरी बच्ची अगवा करके गई है। इसी ने अगवा किया है, इसी ने, मैंने घर को मना किया था, जैसे टाइम आई थी शाम को मैं मोबाइल लगाने मेरे घर पे मना किया था, नहीं किया था, मैं क्या आज के बाद मेरे घर पे नहीं आना, समझे समझे। फिर इसी डराओगी तो उसकी बच्चों को चोरी करके जाओगी? नहीं, मैं तो दोबारा फिर आई भी नहीं ना दे घर पे। वो औरत तो ऐसे माफिया मांग रही थी जैसे कोई मामूली हरकत की हो। यार मैं कितने बच्चे और किसी के, मैं आज मेरे को रुलाए, मेरे से पहले कितने बच्चे तू अगवा करके बेचे, समझी? नहीं 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 अल्लाह नहीं मेरे को नहीं ले जाओ। पिछले एक माह से पुलिस इस बच्ची को तलाश करने की कोशिश कर रही थी। कहां-कहां पे रुलाया तुमने? कहां-कहां से? कहां-कहां ढूंढा आप लोगों ने? हमने खुदा की वक्ती अपना हद चौकी तक ढूंढा है, पंजाब गांव जिला रही है, वहां पे गए हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं पूरी सड़कों पे, रात का 1 बजे 2 बजे अभी ढूंढने गए थे, अभी हम लोग ढूंढने गए थे, ये भाई का फोन आया, उसने बोला वापस हम कहां हिंदू गोट में निकलेगी। बड़ी जी अल्लाह ताला ने बड़ी वैसे आप लोगों पे रहमत करी है कि आपकी बच्ची बरामद हो गई। पुलिस को हम लोगों ने बड़ी कोशिश के बाद इसको किया है। जान शुक्रिया अदा, बहुत बहुत एहसान हमारे ऊपर, गरीब आदमी के ऊपर, जितना तूने तावन किया है इतना आपको अल्लाह ताला और आपको दे दे, हमारी यही दुआएं हैं। तावन वावन क्या, अल्लाह ताला बस इस बच्ची पर रहम करे, इसका नसीब अच्छा करे, ख्याल रखें आप लोग भी। हम दिल में बहुत खुश थे कि हमने इस मासूम बच्ची को ना सिर्फ इस दलदल से बचा लिया बल्कि इसके माँ बाप तक भी पहुंचाने में कामयाब रहे। अब यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस औरत की मजीद तफ्तीश करने के बाद इस बात की तह तक पहुंचे कि अब तक ये कितने मासूम बच्चों को अगवा कर चुकी है। नाज़रीन वक्त हमारे साथ एएसआई अली हसन साहब मौजूद हैं। बच्ची के किडनैप पे उस पर कितनी सज़ा कितनी होती है? ये सर तकरीबन 14 साल तो सज़ा होती है। नाज़रीन केस की जैसे जैसे इंटरोगेशन होती रही ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आती रही। आगा साहब की टीम ने बहुत जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करते हुए जब हम उस घर पर पहुँचे तो वहाँ पर ये तलाश गुमशुदगी के इस बच्ची के वो भी बांटे गए थे, इसके अलावा एफ आई आर भी कटी है। आगा साहब ये तो पूरा ग्रोह निकला। जी बिल्कुल ग्रोह, मैंने पहले ही आपको बोला कि ये बड़े चलाक हैं और हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं। मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट में जब आपने मुझसे क्वेश्चन किए थे मैंने आपको बताया था कि बड़े शार्प क्रिमिनल हैं, ये शार्प माइंडेड क्रिमिनल्स हैं। तो ये अभी तो हम इनिशियल स्टेज पे हैं, हमारे सामने 2 FIRs आई हैं। ये तो उस मोहल्ले में और भी लोग इस चीज़ को क्लेम कर रहे थे कि जी हमारे बच्चे भी गायब है, हमारे बच्चे भी गायब है। मैं भी यही लोग इनसे ज़्यादा वाजी, इन 2 वारदातें जो इन्होंने अपने मुँह से एडमिट किए हैं और उनके ये प्रूफ पड़े हमारे सामने FIRs के, हो सकता है
अगर हम इसको थोड़ा आगे मीडिया की तरफ या न्यूज़पेपर में या कहीं देंगे तो और भी लोग आएंगे जो इस लोगों से विक्टिम हो चुके हैं, जो इनसे मुतासर हुए होंगे। अच्छा आगा साहब, अभी बच्ची ज़ाहिर है क्योंकि बड़ी सहमी हुई थी, आपने भी देखी, जब ज़ाहिर थोड़ी खुली है तो उसने बताया कि ये औरत इसको पैसों का लालच दे के लेकर गई है, यानी कि ये प्रोफेशनल थी, जिस तरह भी मजलूम बन रही थी कि जी मैं तो, मुझे तो पता नहीं है इसने किया, तो ये इनका पूरा एक टेक्निक है कि मासूम बच्चों को चीज़ों का लालच दे के गायब कर देना। यही होता है क्योंकि इनोसेंट बच्चे होते हैं, इनको क्या पता होता है, ये तो पैसों पैसे तो दूसरी चीज़ है, इनको टॉफ़ी बिस्किट जूस ये दूर से दिखा के उठा के ले जाते हैं और फिर अपने जो इनके गंदे करतूत होते हैं उनमें इन्वॉल्व कर लेते हैं मासूम बच्चों को। ये भी आप लोगों की हमारी काविशों से ये मिली है, अगर थोड़ा गैप आ जाता जहाँ हमें ये पता नहीं चलता, किसी और टीम के हाथ चल जाती है तो पता नहीं बेचारी मासूम बच्ची के साथ कहाँ से कहाँ ये। बिल्कुल जी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आगा साहब आपके बड़ा शुक्रिया कि आपने सारी हदूदें क्रॉस करके काम किया है, ये आपको अल्लाह ताला इसका अजर दे सकता है, हम क्या दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने बड़ा हदूद की परवाह ना करते हुए, क्योंकि पहले जाहिर गुलशन की थी और फिर जब आगे गए तो आपकी हदूद से वो हट गया था, लेकिन आप लोगों ने फिर भी इस पर काम किया। शेरी बात ये है कि इंसानियत सबसे पहले इंसानियत होती है, ये हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे फिर लिमिट्स जो होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, उसको हमें क्रॉस करना पड़ता है। अगर मुझे ये पता चले कि किसी मासूम के साथ ज्यादती हो रही है और ये होने जा रहा है, मेरे लिए फिर बाउंड्रीज या ये एरियाज़ कोई माना नहीं रखती है। मेरे लिए सबसे पहले वो इंसानियत है जिसको हमें सेव करना है। नन्ही परी सना अपने माँ बाप से मिल चुकी, लेकिन आज भी ना जाने कितनी नन्ही परियां होंगी जो अपने माँ बाप के आंगन से गायब है। उनके माँ बाप का आंगन सूना है, औलाद का दुख हर वालदैन समझ सकता है। इस प्रोग्राम को करते वक्त जिस जिसने मेरा साथ दिया, बाखुदा वो मनाजिर देख के अपने जज्बात पे काबू ना रख पाए। ये लोग इस नन्ही परी को पूरे दिन में एक रोटी दिया करते थे और वो भी टुकड़ों पर। उनके तशद्दुद के निशान इसकी नाजुक कमर पे आया थे। अल्लाह ताला हम सब की औलादों को ऐसे मुर्दा दिल लोगों से महफूज रखे, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे इर्द गिर्द कोई भी ऐसी एक्टिविटी हमें नजर आए तो हम उसकी खबर करें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बांध।